यार हम लोग भटकल जिला आ रहे थे, पता नहीं कहाँ भटक गए। अब कुछ समझ में और नहीं आ रहा कहाँ जाना है। अब भी बरसात थोड़ा खत्म हो गया इसलिए पानी यहाँ पे भी कम हो गया, नहीं तो पूरा में पानी भरा हुआ रहता। आगे जाएंगे अब पहाड़ पहाड़ सा दिखेगा और पूरा एकदम जंगल जंगल सा, बहुत ही भटकल है यहाँ पे। जो अनजान लोग आएगा ऐसे भटकने की तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन कहाँ पे घूमने की जगह है तो यहाँ पे लिखा हुआ प्राचीन धुना इमली बाली गुफा भयानक। हम लोग जा रहे हैं भटकल वहाँ पे घूमने के लिए। हम लोग को रूम पे मन नहीं लग रहा था इसलिए जा रहे हैं भटकल घूमने के लिए, और वहाँ पे काफ़ी सारा जगह है घूमने का तो आप लोग हम दिखाऊंगा। और वहाँ पे किस लिए लेके जा रहे भाई मेरे को? तो वहाँ बस तुझे घुमाने के लिए लेके जा रहे हो। कहाँ पे? वहाँ पे कुछ क्या है? वहाँ पे कुछ है क्या? वहाँ पे पहाड़ सा भी है और बहुत सारा धाम भी है भगवान का भी। वहाँ पे कुछ बताया था ना इससे पहले, क्या था? वाटर पार्क बताया था। वहाँ पे बोटिंग भी होता है और भी है सब वहाँ पे, जाने के बाद में दिखाऊंगा। हाँ तो अभी वीडियो के आगे तक आप बने रहिए, हम वीडियो के आगे आपको दिखाएंगे। अभी हम पहुँच के जल्दी आपको दिखाते हैं। कहाँ पर पहुँच गए? फोन कर रहे हैं फोन नहीं कर रहे हैं भाई। अभी तो हम गुड़गांव वाले ये भड़कल वाले रोड पे पहुँचे हैं। अभी आगे एक चौक आ रहा है, वहाँ जाएंगे गुड़गांव वाले रोड पे। वहाँ पे एकदम हरियाली और बीच का रोड है, एकदम इतना ऑसम रोड है ना, एक बार देखना मन करेगा यहीं रोड पे लेट जाओ। और हम लोग थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। ये कौन सा चौक है? हम लोग जा रहे हैं भगवान हनुमान जी से आशीर्वाद लेने के लिए। भाई अगर आप लोग को अगर ये अच्छा लगता है तो आप लोग भी यहाँ एक बार आने की कोशिश ज़रूर करना, और अच्छा नहीं भी लगता फिर भी आने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे आने पे ना आपको ना अच्छा से फील हो गई। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ पे, और ये नज़ारा नहीं बल्कि हमारे महाबली श्री हनुमान जी है, ये देख सकते हो आप। ये हनुमान जी यहाँ पे, और ये देख सकते हो एक मेरा दोस्त भी है, ये भी ब्लॉग कर रहा है। और ये भटकल झील जाने के रास्ते में पड़ता है, और ये इस रोड का नाम है गुड़गावा, गुड़गावा से जुड़ता है ये रोड। ठीक है तो यही रोड के पास ही है ये हनुमान जी, तो आप लोग यहाँ पे आके हनुमान जी से आप लोग भी आशीर्वाद ले सकते हैं अच्छी तरीके से। और इधर भी देख सकते हैं, पूरा मैं आपको दिखाता हूँ घुमा के। देख विक्रम, देख देख जैसे ये है ना ये, अब इसको ना हम ऐसे करते हैं, ये जूम होता है, ऐसे जूम हो जाता है और छोटा करना होता है। अभी और होगा जूम, हुआ नहीं मेरे को लगता है। तो ठीक है, और ये देख लो आपको कितना, आप लोग को अच्छा ही लग रहा होगा मुझे पता है। और ये पूरा पीछे का है, ये पूरा पहाड़ पहाड़ है, पत्थर पत्थर सा यहाँ, और इधर भी सब घूमने वाले लोग हैं देख सकते हो। तो यही है गुड़गांव वाले रास्ते में हनुमान जी का एक यहाँ पे बहुत ही बड़ा, ये देख लो। तो ठीक है हम लोग यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग को हम लोग को भटकल भी जाना है, बस थोड़ा सा और आगे भटकल है। तो मिलते हैं हम भटकल जिले में आप लोग से अगले वीडियोस में। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, वीडियो बना रहे हैं। अब हम लोग हनुमान जी से दर्शन कर लिया हूँ, क्योंकि रास्ते मिल गए थे, हम लोग को पता नहीं था लेकिन मिल गए थे, तो बिगड़ के तो जाते नहीं हम लोग, तब जा रहा हूँ। और यहाँ पे ये सब है, इन सब को भी दिया जाता है क्योंकि ये भगवान का रूप होते हैं, तो
हैं, पर्स निकाल के देते हैं। तो पैसा कहाँ गया टिकला? हम लोग जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करके, फिर वहाँ से हम लोग चल दिए हैं। अरे देख लो, वर्टिकल जाने में आप लोगों को किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगा, जो मतलब रोड है ना, रोड की परेशानी ये सब आपको नहीं होगा। एकदम पूरा क्लीन रोड है, एकदम चकाचक आप देख सकते हो। अरे पूरा देखो जंगल कितना घना सा है, और जंगल के नीचे उतरे को तो और भयानक मिलेगा, जा ही नहीं सकता उसके अंदर कोई। अरे राइडर है, हेलमेट लगा रखा है, इससे गाड़ी के गियर भी फंस रहे। गियर नहीं खुल रहा, पता क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? गियर जो पीछे दबाते हैं ना वो ना नीचे हो गया। अच्छा, गियर ही नीचे हो गया, वो पैर पीछे मुड़ता नहीं है। पैर पीछे थोड़े थोड़े ज़्यादा थोड़े भी आगे चल सकता है, अब उसको सही करना पड़ेगा। देख सकते हो रास्ता पूरा एकदम सही है, भटकल। मैं आपको भटकल जाते जाते मैं आपको शूटिंग दिखा रहा हूँ, वहाँ पे जाऊँगा उसके बाद दिखाऊँगा फिर आप लोगों कितना अच्छा लगेगा। वो आप जाके देख सकते हो, तेल लेके जाऊँगा ऐसे ऐसे लगा दे, ऐसे ऐसे लगा दे, ठीक है। अभी राइडिंग करूँगा, हम लोग भटकल झील आ रहे थे, पता नहीं कहाँ भटक गए। भटकल झील में आके भटक गए, सारे रास्ते ऐसे गोलमोल बुलबुलियाँ, पता नहीं हम लोग कौन सी एकदम बुलबुलियाँ चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, पीछे का दिखाएगा तो पता चलेगा, पीछे का दिखाए थे छोटे मोटे रोड है और जंगल पंगल है, और कुछ समझ में और नहीं आ रहा कहाँ जाना है। अब हम वापस रिटर्न जा रहे हैं घूम फिर के, इस साइड गए इस साइड में आकर दिया, अभी जैसे जाएंगे देखते हैं। आगे एक और रोड है बता रहा था, हम आगे ही जाएंगे। अब पता नहीं यार कहाँ पे आ गए, कैसे जा रहा है ये वाला रास्ता है, ये वाला है ये भाई। ऊपर चढ़ के देख लेना खड़े होके, कुछ दिख रहा है? इससे पूछो ये लड़का से, इसको क्या बोलते हैं तो भैया आना थोड़ा सा, आता नहीं पूछता। ये बड़का जी रहना है, इधर इधर ही है। एक भैया ने बताया भटकल झील जाने का रास्ता यही है। अब देखने में तो लग रहा है बहुत ही डेंजर, लेकिन फिर भी चल के देख लो, ये देख लो बाइक चढ़ पाएगा कि नहीं चढ़ पाएगा।
ये रहा ना रे, ये देख। और ये भाई पूरी भटकल झील का नज़ारा आप देख सकते हो, बहुत ही गजब का। देख लो क्या बात है, मेरा दोस्त कह रहा क्या बात है। अभी और दिखा रहा हूँ, ये भटकल झील है हमारा। तो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ सबको भाई। अगर वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। और ये भटकल झील है, इसी का तलाश था हमारा। और ये मंजिल तक हम पहुँच गए। अब ये देख लो, ये भटकल झील है पूरा गजब का। ये हरियाणा का फेमस है भटकल झील। अभी बरसात थोड़ा ख़त्म हो गया इसलिए पानी यहाँ पे भी कम हो गया, नहीं तो पूरा में पानी भरा हुआ रहता है। ये देख सकते हो, इसके अंदर जाएगा क्या? वहाँ से ये पूरा एक खतरनाक है। पानी ये रहा भटकल झील क्या? तो जूम करके देखा, जूम करके देखा, पता आ जाए। अभी हम लोग बिना भी गलत रास्ते पे चलते, उस साइड से जाना था है? उस साइड से रास्ता, उस साइड से कहाँ है रास्ता? दिखियो रे, उधर कोई दिखा तेरे को? उधर से रास्ता है। ये कहाँ है? उधर से वही है जो उधर ट्रैक्टर चल रहे हैं, वो है। ये है भटकल झील, ऊपर से अच्छा लगेगा ना, नीचे से थोड़ा अच्छा लगता है। कूदेगा तो हाथ पर टूटेगा नहीं बल्कि जान ही जाएगा। आखिर हम लोग भटकल झील में भटक गए थे, लेकिन भटकते भटकते पहुंच ही गए हूँ जहाँ पे आना था। बहुत कोशिश करने के बाद यहाँ तक मैं हम लोग ने पहुँचा हूँ। रास्ता हम लोग ने काफ़ी सारा भूल गया था, लेकिन फिर भी ये भटकल है, देख लो सब। अगर अच्छा लगे तो आप लोग आना यहाँ पे, आने की कोशिश करना। और आपको आने के बाद यहाँ पे अच्छा सा फील होगा ही, मुझे पता है। ये भटकल हम लोग आ गए हैं नीचे, और नीचे पे ये देख सकते हो आप थोड़ा, ये कहाँ से पानी आ रहा है हम लोग को पता नहीं है, लेकिन पानी आ रहा है कहीं से, तो देख सकते हो। पूरा पानी है भटकल झील का, इधर से पानी आ रहा है इधर से। और ये पूरा एकदम जंगल जंगल भटकल झील में, बस खाली आपको जंगल जंगल नहीं दिखाई देगा, और पत्थर बड़ा बड़ा सही दिखाई देगा। और झील तो है, ये झील के नाम से प्रसिद्ध है। अभी बरसात थोड़ा कम हो गया, नहीं तो हर जगह से पानी निकलता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे अभी पानी थोड़ा कम बह रहा है, बरसातों में काफ़ी तेज़ी से बहता है। और ये सब जंगल देख सकते हो। पानी के अंदर फ़ोन डाल दो, ये पानी के अंदर फ़ोन डालने जा रहा है, वाटर प्रूफ नहीं है फिर भी ये। ये पानी जा रहा है उसी हाउस के अंदर, आप बोलते हैं भटकल झील, यहाँ से पानी निकलता है, यहाँ से पानी निकलता है भटकल झील में जाता है, ठीक है? वो कहाँ नजर आ रहा है, ठीक है? उसको इस तरीके से पानी बहता है, अगर इसको हम पास से देखेंगे इस तरीके से पानी बहता है, एक साथ अच्छा जा रहा है। कहाँ लेके जाएगा? आगे जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग के यहाँ पर आना पसंद है या नहीं है ये भी ज़रूर कमेंट करके बताना आप लोग। और ये देख लो, सूर्यास्त होने वाला है, हम लोग को घर भी जाना है, तो बस हम लोग अब चलेंगे ही यहाँ से। और किस तरीके से जाना है यहाँ, मैं आपको सारा डिटेल बताता रहूँगा। और फिर आना यहाँ पे, जो भी अगर हरियाणा को हो या फिर कोई स्पेशल हरियाणा हो तो यहाँ पे एक बार घूम के सब जाना।
क्योंकि घूमने की जगह ये, और घूमने की जगह तो भाई अच्छा होता ही है जैसे भी हो। देख सकते हो बस यही है, और भी है और मैं आगे जाऊंगा तब मैं आपको दिखाता रहूंगा सारा क्या होता। और ये हमारी गौ माता देख सकते हैं, आराम से जा रहे ये गौ माता, कुछ नहीं बिगाड़ते। आप अगर इनको छेड़ोगे ना तब आपको ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, नहीं तो फिर अपना आराम से सीधा जाएंगे, बस जैसा रास्ता गया हुआ ना बस ऐसे जाएंगे। और ये मेरा दोस्त आ रहा है, बाइक चालू कर लिया, तो फिर हम मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। अब हम लोग जो झील था नदी था वहाँ से हम लोग अब आ गए हैं दूसरी जगह, और आगे चल के देखते हैं कहाँ पे हम लोग जा पाते हैं। यहाँ पे घूमने की जगह बहुत ही बड़ा है, तो ये रास्ता भी भटकल का ही है। अभी और आगे चल रहे हैं, ठीक है, आगे भी बहुत सारे मंदिर आपको मिलेगा और अच्छा सा नज़ारा सब मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे तरीके से। अच्छा एक जगह जाना चलेगा तो बताइए, तो मेरे जाने का ना झारखंड इधर बस खाली आपको ना पहाड़ पहाड़ सा दिखेगा और पूरा एकदम जंगल जंगल सा देख सकते हो सब। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और भाई ये बहुत ही भटकल है यहाँ पे, जो अनजान लोग आएगा ऐसे भटकने की तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी भटक सकते हो। ये सब देखो बच्चे भी यहाँ घूमने के लिए हैं, यहीं के सब हैं। और ये हरियाणा में पड़ता है भटकल, फरीदाबाद गुड़गांव वाले रास्ते में, दूसरे इलाके में लेके जा रहा चूतिया। नहीं चूतिया तो चलते सही सही इलाके में जा रहा है वापस, पेट्रोल बस ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी सी और है। देख कारू सब जा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी दूर दूसरे रूट में जा रहे हैं ना, हमको इधर इधर आएगा वो फरीदाबाद, और ये जा रहा है उधर पीछे की तरफ। नहीं पीछे की तरफ नहीं जा रहा है, मंदिर की तरफ जा रहा है, ये मंदिर की तरफ जा रहा है। तो चल के तो देख सही, बस थोड़ी सी और आएगा मंदिर। ये अगर मैंने आया था बचपन में ही, मैंने सारा भूल ही गया था रास्ता इसका आने और जाने का, लेकिन फिर भी इधर रात में थोड़ा बदमाशी भी हो जाता है शाम के सीज़न में, रात के सीज़न में। यहाँ पे आने का टाइमिंग है दोपहर सुबह आ सकते हो, और शाम में 7-8 बजे आप आराम से चल जाओ तो बेहतर रहता है। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, रास्ता पता नहीं है खाली, रास्ता मुझे सब पता है, घुमाना जरूरी है रास्ता पता होता तो यहाँ पे रास्ता मुझे ना सब पता तो चलते सही, रास्ता मुझे पता है ऐसा मुझे फील हो रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं सही है या फिर नहीं। यहाँ से कहा अंदर एक रास्ता चल रहा है, बता ये अंदर खंड में एक इधर खंड इधर जा रहा होता है, तो कहाँ भटकेगा चूतिया आदमी अब बता तू। मंदिर यहाँ पे कहाँ दिख रहा था, कहाँ दिख रहा है मंदिर दिखेगा, तू ही लेके आ रहा है यार, तो भाई बस निकल जाने सकते हैं, पता नहीं चल रहा है मंदिर यार, कुछ दिख नहीं रहा है हम लोग को मंदिर जाने का रास्ता किधर है, बस आगे ही होगा ऐसा तो लग रहा है मुझे, लेकिन मेरे दोस्त जाने से डर रहा है क्योंकि हम लोग को कन्फर्म रास्ता पता नहीं है, और ज़्यादा हम लोग आगे जा भी नहीं सकते क्योंकि बहुत ही आउट एरिया है ये। तो हम लोग अब जहाँ तक आना था यही भटकल झील है, आप लोग देख सकते हो अच्छे तरीके से, जहाँ तक हम लोग आना था वहाँ तक मैंने आप लोगों को वीडियोज़ में दिखा दिया हूँ, और यही है भटकल, ठीक है। और भटकल ये छोटा सा नहीं है कि मैं आपको एक जगह दिखा दूँ, बहुत बड़ा सा है, उतना मैं घूम भी नहीं पाऊँगा, बस मैं भटकल आपको दिखा दिया, बस यही है भटकल आप देख सकते हो। अब ये सूर्यास्त भी होने वाला है, हम लोग को घर भी जाना है, तो फिर हम लोग चलते हैं, और रास्ते का मैं आपको वीडियोस दिखाते रहूँगा। आप और ये हम यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया, ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया तो अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे आराम से मैं इसको पढ़ सकता हूँ, यहाँ कहाँ पे घूमने की जगह है, तो यहाँ पे लिखा हुआ प्राचीन धुना इमली वाली गुफा, ये हम जा रहे इमली वाली गुफा के साइड में। ओ आजा,
ये मेरा दोस्त है, ये डर रहा था लेकिन मुझे सही लोकेशन मिल गया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है और मुझे इसी की तलाश था। भाई आ जा, ये देख लो सब यहाँ पे घूमने वाले हैं अभी आ रहे थे। ये इमली वाली गुफा है? इमली वाली गुफा मेन तो यही है। अरे मत मानते हो, मैंने आया था तो कोई भाग जाए। नहीं इमली वाली गुफा ये, बस थोड़ी सी बस नीचे जाना। ये है इमली वाली गुफा, यहाँ ये रास्ता है इमली वाली गुफा का, प्राचीन धुना इमली वाली गुफा का ये रास्ता है। आ जा, इमली वाली गुफा ही तो घूमने का है यहाँ पे। पुराना परिसर, ये पहले मैंने पंचर सही करवाया। ये मेरे दोस्त जाने से डर रहा है। भाई आ जा, ओए इधर आ जा, मैं इस लड़के से मैं पूछता हूँ। ये इमली वाली गुफा क्या है? क्या? इमली वाली गुफा क्या है? देखो इस बदल जाओ भाई, पैर बदलते हुए जाओ पहले। भाई इधर घूमने के आना, ये देख मैं जैसी इमली वाली गुफा है घूमने का ना यहाँ पे। ये पूछ ले, काफी सारा जगह है। बताया तेरे को, गया तू यहाँ पे? नहीं गया तो कैसे कह दिया? तो भाई इधर का है तो इसको पता है, और वहाँ पे लिखा हुआ नहीं बोर्ड में? इधर आ देख, बता बता बैठ बता। ये जो है ना, ये पुराना पर्चा, ठीक है? ये कांटा कट गया इसमें, इधर दिखाओ इधर। ओए ओए कांटा मत निकाल, ये है पुराना पंचर, ठीक है? पुराना पंचर बाहर निकल गया, इसका मतलब सारा साफ हो गया टायर और नया पंचर है, ठीक है? और ये है कांटा, ठीक है? तो मेरा वीडियो क्यों खराब कर रहा है? इशारे निशान निशान पड़ रहे हैं, टायर पूरा खराब हो जाएगा मेरे। तू ऐसी जगह है यहाँ पे आकर आते आते इनकी गाड़ी का मतलब की हालत खराब हो गया है, और ये कह रहा है कि मेरा पुराना पंचर है, मेरा पुराना चक्का है, और ये इसमें कांटे भी घूम गया। ये जैसे पहले का पंचर हुआ पड़ा था ना वही है। और ये यहाँ पे बहुत सारे बकरी घास खाने के लिए आती है, आप देख सकते हो शाम हो गया इसलिए सब अपने अपने घर जा रहे हैं। और ये बकरी चलाने वाले अंकल है, डंडा ले रखे बहुत बड़ा सा। और ये गोट फार्मिंग होगा, ये देख लो कितना अच्छा अच्छा गोट है यहाँ पे। मैं इनसे मैं बात कर लेता, कौन सी बरादरी मतलब कौन सी प्रजाति का गोट है ये कौन सी प्रजाति का गोट है अंकल? देसी है ये, नस्ल तो बहुत अच्छा से लग रहा है। क्या बात है, ये देसी बकरी है सर, बहुत ही अच्छा है। अंकल ने बोला कि देसी बकरी है लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है, कुछ और सही होगा। ये देख लो, क्योंकि भाई देसी बकरी ऐसा हो नहीं सकता, ये कम से कम 50,000 का बकरा है, ये 50,000 से ज़्यादा का। ये देख सकते हो बिकेगा तो 50,000 से ज़्यादा का बिकेगा। और ये गोट फार्मिंग वाले देख सकते हो आप कितना पैसा कमाते होंगे, बहुत ही अच्छा नस्ल का ये, बस घास खाने वाले बकरा ये, देख सकते हो। तू क्या खाता है? अरे ये भटकल झील का बकरा, बोका है ये भटकल झील का बोका है। तो चलो हम चलते हैं फिर आगे इमली गुफा की तरफ में, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इमली गुफा कैसा है और कैसा वहाँ पे नज़ारा है और कितना वहाँ पे मज़ा आता है, मैं आपको जाके दिखाऊंगा। उसके बाद फिर आपको भी मन करेगा यहाँ पे क्या कहते हैं प्राचीन धुना इमली वाली गुफा में आने का, आप लोगों का ज़रूर मन करेगा क्योंकि ऐसा है ही है कि सबको आने का यहाँ पे मन करेगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ इमली वाली गुफा, रास्ता मैं आपको दिखा जाऊंगा। तो चलो टायर दोस्त मेरे जाने से मना कर रहा है लेकिन फिर भी मुझे इसको मनाना पड़ेगा। ये पहुंच गए हम लोग भटकल, मेन भटकल ये है जो भटकल धाम भी है, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी है नीचे, लेकिन मैं आपको ऊपर से ही दिखा रहा हूँ। पूरे पहाड़ है ऊपर, ऊपर में आ रखा है, सब देख सकते हो कितना सारा पहाड़ है, ठीक है? खाली पत्थर पत्थर ये, और ये भटकल, ये ऊपर भी मंदिर दिख रहा होगा आपको। मेरा कैमरा थोड़ा फ़ोन का सही नहीं, इसलिए मैं जूम करके नहीं दिखा सकता हूँ। तो मेरा कैमरा ले ले, ये मेरा कैमरा ले ले। और ये देख लो यहाँ पे कितने सारे लंगूर है, लंगूर नहीं है हनुमान है ये। और हम लोग को अभी ज़्यादा मतलब कि टाइम ओवर हो गया है, सूर्यास्त होने वाला है, हम लोग को घर जाना है, इसलिए मैं आप लोग को पूरा नहीं दिखा पाया नीचे जाके, और मैं ऊपर से ही लेकिन आप लोगों को दिखा देता हूँ। बहुत अच्छा नज़ारा है ये, अच्छे तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देख लो, मैं कैमरा रहता ना मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये दिख रहा है ना, ये
ये सबसे ऊपर हनुमान चढ़ा हुआ है पेड़ के सबसे ऊपर, ये देख लो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और ये सूर्य दिख रहा होगा आपको पूरा एकदम क्लीन, और ये बरसात में और हरियाली पूरा हो जाता है यहाँ पे, पूरा एकदम पहाड़ है ये हर जगह, और जंगल और भगवान का मंदिर, बस ये भटकल ये देख लो। तो ये हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया, मैं यहीं पे आना जैसे चाह रहा था और मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और ये मेरे दोस्त देख लो क्या कर रहा है ये देख लो फोन को नचा रहा है ये देख लो अच्छे से पूरा भयानक। यहाँ पे जो भी आएगा आप लोग को आने का फिर दोबारा मन करेगा, क्योंकि ऐसा जगह ही है। देख ये कौन है? मैं हूँ, अभी तो फोटो खींची है मैंने।